अच्छा ध्यान दी भैया, सब भोजप्रिय भाई के हमरा तरफ से हार्दिक नमस्कार बा। टी सीरीज के माध्यम से रवा सबके एगो धार्मिक कथा सुनाओ तरी गज ग्राह के लाई। ए प्रसंग के पहले एगो लयदारी चटनी सुनी। जमाना के अनुसार एगो सफारी गाड़ी के ड्राइवर बड़े अतवार दिन बाद छुट्टी में गाड़ी घर लेके साहब से मांग के आयल बड़े। आ अपना मेहरारू के बैठा के घुमाओ तरे ऐस गैस कर तरे। जब कस के एस्लेटर दाब ले हॉर्न बजा के तलमौगी के छाती धक धक कर लगल के हे रोक झपसुआ के पापा तनी आराम से चलाओ ना, जिंदगी में ठेला बस हकल उतरा जन तनी। मौगी का कहलस का कहलस हो कि सब दिन ढोला सैया बांस के सवारी हो। सब दिन ढोला सैया बांस के सवारी हो। नया गाड़ी निकलल सफारी तनी चुचुकार के हाका। अब नया गाड़ी निकलल सफारी तनी चुचुकार के हाका। छोट बाटे चाका एकर छोट बाड़ी गाड़िया हो। झपसुआ के पापा तनी आराम से हाको ना, का कहती मौगी। छोट बाटे चाका एकर छोट बाड़ी गाड़िया हो। गियर में फंस जाला लाल रंग सरिया हो। सैया ड्राइवर माए नारी तनी चुचुकार के हाका। सैया ड्राइवर माए नारी तनी चुचुकार के हाका। ड्राइवर साहब अब मेहरारू के घुमावत रहे। मेहरारू के साड़ी गियर में फंस गई बा। और मौगी बहिया धरत ये कहती करे झपसुआ के पापा तने धीरे धीरे हाकी ना बड़ा रेस भागतिया। का कहती है मौगी सोमो अरमादा से भागे ही हो ज्यादा हो। सोमो अरमादा से भागे ही हो ज्यादा हो। धक धक छाती करे अरे माई रे माई तो बड़ा रेस भागतिया। ए झपसुआ के पापा तनी आराम से चलो ना, का कहतिया। धक धक छाती करे खून सूखे आधा हो। कमर से सरक जाला सारी तनी चुचुकार के हाका। से सरक जाला सारी तनी चुचुकार के हाका।
के छाती धक धक करता कहते के झपसुआ के पापा अरे बाप रे बाप तो बड़का बड़का लोग चढ़ेला हो तनी आराम से चलो ना का कहतिया मौगी ए बसाहिया कहतिया बड़े बड़े सेठ पर चल समाला वारी हो बड़े बड़े सेठ पर चल समाला वारी हो साहेब साहूकार चल रंगबाज के सवारी हो साहेब साहूकार रंगबाज के सवारी हो निकले प्रसुरा महिला चारी तनी चुचुकार के हाका अब नया गाड़ी निकलल सफारी तनी चुचुकार के हाका भैया रोवा सबके गज और ग्राह के पूर्व जन्म से लेके दूसरा जन्म तक के कथा सुनावतनी गज ग्राह के लड़ाई जवन स्कंद पुराण के वैष्णव खंड के कार्तिक मास महातम अध्याय में लिखल गई बा गौर कर भैया गाई गज ग्राह के अरे गाई गज ग्राह के लड़ैया ए भैया जौना के हरिहर क्षेत्र कहल गई कि गाई गज ग्राह के लड़ैया ए भैया अरे सुन सुनवैया से जन्म ले रहे लोग नाम जय विजय रहे ए भाई साहब भाई भगवान हरि जी के बड़ा भक्त रहले नित दिन पूजा पाठ करस गुणगान करस हरि नाम के चर्चा करस एक समय के बात हो कि राजा मरुत के यहाँ जग भइल जग के रचना हो गई और राजा मरुत अपना दूध से ब्राह्मण से पाती लिखवा के वो दोनों जय विजय भाई के यहाँ भेजत रहे
प्रधान मान के जग के दोनों भाई के का चिट्ठी लिखत रहे। ले है परशुराम भैया भिखारी चाचा के। अच्छा। मारुत राजा चिट्ठी लिख के भेज तेरा जय विजय के लगे। ब्राह्मणी ज्ञानी अरे राजा मारुत लिखती वाणी स्वस्ति सिरी ब्राह्मण ज्ञानी राजा मारुत लिखत वाणी मारुत राजा पातिल के जय विजय दोनों ब्राह्मण भाई के लगे भेज रहा बड़े का कहत रहे। स्वस्ति सिरी ब्राह्मण ज्ञानी मारुत राजा लिखत वाणी जागवा में दर्शन देखाई दून भैया दिखाई दून भैया जगवा न धाइल बाटे पूजवा कराइया के संत के लालसा पुराई दून भैया अरे साधु संत के लालसा पुराई दून भैया ए भैया ध्यान दिए है प्रकार से पाती जब जय विजय दून ब्राह्मण के मिलल भाई के बड़ा हरी गुण गावत भजन करती है राजा मारुत के जग में आइल बलो राजा मारुत चरण छू के प्रणाम कैले दोनों भाई के आ राजा कहले कि हे सरकार ए निज आसन पर बैठल जाओ आ कहल जाओ का हम सेवा करी गौर करी भैया। राजा जी के जगवा में अइले त राजा जी के जगवा में अइले त ब्राह्मण दुनु महान राजा जी के जगवा में अइले ब्राह्मण दुनु महान राजा जी के जगवा में अइले ब्राह्मण राजा मारू चरण छू के प्रणाम कैले आदेश दे लगी सरकार बड़ा बड़ा ऋषि महर्षि लो बैठल बतका हो रुआ दोनों भाई के आदेश दिया था कि जग रुआ दोनों भाई कराई आज फूल पावड़ बाटे जय विजय दोनों भाई के महानता मिलल यही दोनों ब्राह्मण के
आ माय ऋषि महर्षि लोग सब बैठल बाटे अचकित हो गई बाटे कि राजा का कहले बोला के हमनी के जय विजय मिल के राजा के जग के संपूर्ण करौले। राजा सोना चांदी दान दिले, दोनों भाई अपना घर के वापस लौटे तरे। अब हे परशुराम भैया, अभी लोग भक्ति भाव राम के भजन भूल गई बा। अच्छा। आ जय विजय दोनों भाई राजा के बड़ाई करता, अन्न धन के बड़ाई करता, घरे आवत लेके कि दोनों भाई घरे आइल बड़े। आइए जो राजा सोना चांदी दान दक्षिणा देले बड़े, अभी बांटे के तैयारी करते लो कैसे कैसा हो। बड़कू के तनी कम दान मिल रहे, आ विजय जे छोट रहे उनकरा के राजा तनी सोना चांदी बहुत ज्यादा दान दिल रहे। अच्छा। आ बड़कू बहुत ज्यादा लालची रहे, उ लगले बाटे ही के चक्कर में लगे आते होते का कहत रहे। कहले बड़कू छोटका भाई से, कि कहले बड़कू छोटका भाई से, कि धन के करा बंटवारा, कि दिल में हमारा आस परत नहीं खे, बाटी के करो छुटकारा। ए जौन राजा अन्न धन सुना चाहे दान दिले बड़े, एक हमने बांट लेबे के तू आप रास्ता धर हम अपन काम देखी। छोटका कहले कि ना भैया, जो रौरा भाग में रह रौरा भाग में मिलल, हमार हमारा भाग में बा, ये धन ना बटे। तो देखी दोनों भाई में झगड़ा होता, कैसे भाव बा, कैसे हो। दोनों भाई में पटका पटकी झगड़ा झंझट मशहूर लड़ाई होके लगल। तो दोनों भाई के बीच में हो गई ले लड़ाई, कि धन के कारण भइले देखी ना लड़ाई, लड़े ले दोनों भाई भैया जी। धन के कारण भइले देखी ना लड़ाई, लड़े ले दोनों भाई भैया जी। तो धन के कारण भइले देखी ना लड़ाई, हो लड़े ले दोनों भैया भाई जी। ये धन के कारण भइले देखी ना लड़ाई, हो लड़े ले दोनों भाई भैया जी। ए भैया, दोनों भाई में घोर युद्ध हो गई बंटवारा खाती धन के। बड़कू का कहे लेकिन छोटकू के श्राप दिले कि जा तू जौन धन दान दक्षिणा ग्रहण कैले बड़ो, आ ये ग्रहण धन के नहीं खा बांटत, ऐसे तरह के श्राप होता कि जा तू ग्राह हो जा, ग्राह हो जा, ग्राह हो जा। बड़कू छोटकू के श्राप दिले विजय के, आ विजय भी श्राप दिले कि जा अहंकार में मात के बड़ भाई लोभी तू, अहंकार में मात के हमरा के छोट भाई के श्राप दिल ग्राह होके के, हमहू तरह के श्राप होता कि जा जौन अहंकार में मात के हमरा के श्राप दिल हो, तू एगो दिन आई कि मतंग यानी कि हाथी गज के रूप तू धारण करब। बैजनाथ भाई, दोनों भाई परापरी आपस में श्राप सुना दलो, आ लागो लो पछताए, अब भगवान के पुकारे कैसे। अरे दोनों भाई बैठी कर, कि दोनों भाई बैठी कर ले पुकार हे। Hey,
सनैया पार लागी आई कारा तार हे। सनैया पार लागी आई कारा तार हे। दर्शन देने कनिक जा विधि के लिखल टरने के सगत होनी हो के रहला। ऐसे हम आज प्रतिज्ञा करतनी कि दोनों भाई के उधार एक दिन हम अगला जन्म करेब। भगवान वरदान आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गए नी। एकरा बाद का भइल महेश जी? जय विजय के दूसर का जन्म देखी मनुष्य कम तन त्यागलो तो कहाँ होता गर करी। जिला छपरा सोनपुर देखी कहाँ आर सोनपुर क्षेत्र में कि सोनपुर क्षेत्र में भइल बा जनामा। सुनी लहरी जी अब आगे के बयाना। सुनी लहरी जी अब आगे के बयाना।
पड़ल हई। अच्छा ध्यान दी भैया, उहे गज जंगल में रहत भगवान के भजन करस, अग्राह गंडक नदी के पानी में वही में डूब के भटकस उहो भजन करस। के ही वीर ना होला, समय बलवान होला परशुराम भैया। एगो चुटकीला पहले सुन ली। अच्छा। दूगो मेहरारू एक संगे मार्केट करे गेली सब। बसा भाई, दूगो मेहरारू एक संगे बजार करे गेली सब। आ कावना बात कौंतर पर का ब्यास लो दूगो लड़ी, उहे दोनों दूगो ला लड़ गेली समोगी। कैसे हो? एगो कहती की बाप रे बाप, हमार मोरत बड़ी ढेर पहले गए। अच्छा। दूसर की कहती देख नु झोटा उखाड़ ले, तोरा मर्द से तो बेसी हमार मर्द पहले बड़े। तले को बुढ़िया माई पंच अली कली के दोनों के झोटा उखाड़ ले, फरका फरका हट सो। आ पारा पारी बताओ सगी कामना के मर्द कितना पढ़ले बा। तो एगो कहती है कि बाप रे हमार मर्द इतना ना ढेर पढ़ले बड़े। अरे बाप रे इतना ना ढेर कि जब वो लिख दी है नू लिख दी है तो उनकर लिखल केहू से पढ़ेबे ना करी। तो दोसर की मौई कहती कि बा त क्लास के पढ़ाई कहाई रही, ई कौन पढ़ाई हो? जब तहर मद लिख दी है तो केहू से पढ़ेबे ना करी। बाप रे बाप, अरे पढ़ले तो बड़े हमारा घर, हमारा घर वो पढ़ले वाला कि जब वो लिख दी है नु तो उनकर लिखल ऊ नहीं से ना पढ़ाला। गजग्राह के पूर्व जन्म के बात पहले सुनी हा। आउह गजग्राह देखी सोनपुर क्षेत्र छपरा, गंडक नदी में ग्राह के रूप में बड़े छोटकू। आ बड़कू गजराज हाथी वन में भजन करते रहे, गंडक नदी में गज डेली स्नान करस। एक दिन के बात हो, घटना घटे के जब समय आ गई भैया, हो सवेरे कुहासा पड़ रहे भोर के बेरा कार्तिक के महीना। आउ है गज चलल बड़े स्नान करे गंडक नदी में, जैसे गज पानी में चहले की डुबकी लगाई, घुसते घुसते ग्राह काकलेस की गज के पैर पकड़ के खींचे लागल। एगो हेजा नदी के चुटकीला मन पर गई। अच्छा। परशुराम भैया, एगो नदी में नहाए जात रहे। हाँ। और नैया पर बहुत सवारी बैठ रहले। अच्छा। उमे तीन चार गो आदमी ऐसा मुख मुख रहले। हाँ। एगो बनिया भाई, एगो सेठ जी। हाँ। एगो पहलवान जी। अच्छा। उमे साधु बसैत रहले। वाह। और पारवा से एगो चिड़ै चाय चाय कर जाती है। अब नैया पर से साधु बा कहले कि ए पहलवान जी, जानत रही चिड़ैया का कहतिया? चिड़ैया कहती है कि राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ, राम सिया दशरथ। पहलवान छरक के खड़ा हो गए, कहले ए साधु मारे में फाइट तार साधुए बर्बाद कर दे। वो राम सिया दशरथ कहतिया? पहलवान जी कहले कि चिड़ैया कहते कि उठ बैठ कसरथ, उठ बैठ कसरथ, उठ बैठ कसरत। तले बनिया भाई छरक के खड़ा हो गए ना सहाइल। तो कहल चुप, इनको तो साधु खराब करबे करब तरह के नदिये में ढा के पहलवानिये बर्बाद कर दी। अच्छा। बनिया भाई कहल कि ना राम सिया दशरथ कहतिया, ना उठ बैठ कसरत कहतिया, बा ऊ तो कहती कि जीरा मरीच अदरक, जीरा मरीच अदरक, जीरा मरीच अदरक। गज के पांव पकड़ के पानी के भीतर जब लगले कस के खींचे, तो गज के झटका लगल कि हे विधाता, ये कौन सनम चूकनी कि भगवान के भक्ति भजन में ये हमार गति होखे लागल, ये पांव के खींचता भाई, हे विधाता हम कौन चूक कैले बानी। तब तक ग्राह आवरी लागल कस के पैर नीचे खींचे, गज के जब पैर
सहित छाती डूबे लगल पानी में, गज के चिंता हो गई कि बुझा तक ये समय हमार पूज गई बा। गज जब डूबे लगले, हाथ पांव पैर छाती गर्दन जब सब गज के डूब गई, खाली सूढ़ ऊपर उठौले बड़े, नाक कान बाज गई बटे, घोर पुकार करते रे कि हाय विधाता ई का कोइलो। गज घोर पुकार कर कि हे विधाता, कि कौन हम पूर्व जन्म के पाप के लिए बनी, अब अंत समय प्राण निकले के अंतिम चरण चल रहा बा, हे विधाता कहाँ बानी। आ गज ग्राह के भगवान के वरदान रहे कि पूर्व जन्म के बात याद पड़े वो लोग के, वह गज पुकारत रहे हे सरकार रोरा कहनी कि दूसर का जन्म उद्धार करे, आज कहाँ बानी है दुनिया के मालिक। हे विधाता ई का कोइनी, कि प्राण हमरो जातिवा, कहाँ लुकोइनी देर कोइनी, हमरा ना कुछ बुझातवा। तो भारी दूर गतिया कैलस येरा, लोय का लाडू बना दो। बना भाई गज ऊपर में है सुन उठा के घोर चिघार पुकार करते रहे, हे प्रभु नाक कान हसूड़ खाली बच गई बा, अब ही प्राण छूटे जा रहा बा, कहाँ बानी है दुनिया के मालिक, कहाँ बानी। पानी में पुकार तरे हथिया, तो भारी दूर गतिया कैलस गोला दुर्बल जाता छतिया। गजे के आंख से झर झर लोर गिरता, सुर ऊपर उठा के घोर पुकार करते हे प्रभु, ऐसन बुझाता कि गज के पुकार सुन के ऐसन बुझाता कि पुकारे क्रत में प्राण निकल जाए गज के। हाथ गोड़ा डूबल जाता छतिया, तो भारी दूर गतिया कैलसेरा। आए हाथ गोड़ा डूबल जाता छतिया, तो भारी दूर गतिया कोइल से सरकार, सारा शरीर डूब गई बा, कहाँ बाँच गई बा।
लसेरा लिखलन नागेश्वर यादव गीतिया लिखलन नागेश्वर यादव गीतिया तो भारी दूर गतिया कैलसेरा नागेश्वर यादव गीतिया तो भारी दूर गतिया कैलसेरा ध्यान दी भैया गज के जब अंतिम चरण चले लागल प्राण छूटे के गौर कर कैसे भावा सरोवर में थी गज ग्राह की सरोवर में थी गज ग्राह की लड़ाई गजराज की शक्ति कोई काम नहीं आई पानी के भीतर मदद नहीं पाई तो सूंड उठाकर हरि के पुकार सुनाई गज के पुकार सुन के भगवान गरुड़ के छोड़ के नंगे पांव दौड़ल आ रहल बनी ये कथा स्कंद पुराण से बा भाई साहब कैसे प्रभु आओ तनी एगो भक्त के भावे जा अच्छा काहे नजरी से हमरा के गज के पुकार के ऊपर भाव कवि के कल्पना बा काहे नजरी से हमरा के अरे बिसरनी ए हरी के मार के गजराज के प्राण के रक्षा कैनी दर्शन देखौनी आओ है कैसे भावा गज भगवान के नाम जपत रे कैसे हो
आ अंत में ग्राह के भी उधार के दिले बनी आ कहल बैंक देख भक्त पूर्व जन्म के जन वरदान है आज पूरा के धनी दोनों भाई के उधार हो गई भगवान अंतर ध्यान होतनी आ वही दिन से उ हरिहर क्षेत्र बोले लागल छपरा सोनपुर में जन की बड़ा जबरदस्त परशुराम भैया मेला लगेला आ दोनों भाई कैसे भगवान के भजन करते रहे हरि ओम नमः शिवाय हरि ओम नमः शिवाय कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम हरि ओम नमः शिवाय दोनों भाई भजन